In this particular video, we are going to learn how to import data from Notepad. आपको याद होगा हमने एक फीचर किया था टेक्स्ट टू कॉलम्स, उसमें हमने क्या किया था, टेक्स्ट डॉक्यूमेंट से कॉपी पेस्ट किया था डेटा को इन एक्सेल एंड हमने उसका फॉर्मेटिंग चेंज किया था ताकि इट एडजस्ट्स इन एवरी सेल. उस केस में हमने क्या किया था, कॉपी पेस्ट किया था. तो अगर Notepad में आपका डेटा ज़रा सा भी चेंज होता तो एक्सेल फाइल आपका चेंज नहीं होता क्योंकि हमने कॉपी पेस्ट किया था अपने डेटा को. पर सपोज़ मुझे ऐसे इंपोर्ट करने अपने डेटा को इन एक्सेल फ्रॉम द Notepad, सो दैट जब मैं चेंज करूँ अपने डेटा को इन द Notepad तो आई वॉन्ट दैट इट ऑल्सो गेट चेंज्ड इन माई एक्सेल फाइल. दिस आई वॉन्ट टू बी डन. इसके लिए कॉपी पेस्ट करने से नहीं चलेगा. वील हैव टू इम्पोर्ट इट यूजिंग द फीचर विच आई शो यू राइट नाउ. सबसे पहले तो सबसे बेसिक स्टेप ऑब्वियसली है टू रिमेंबर द लोकेशन एंड द फाइल नेम ऑफ द Notepad. तो जो Notepad आपको, जहाँ से आपको अपने डेटा को इंपोर्ट करना है एक्सेल में, वो Notepad का क्या नाम है, आपने क्या नेम से सेव किया है उसको, या फिर कौन से लोकेशन में और आपने सेव किया है, वो आपको पता होना चाहिए तभी आप इंपोर्ट कर पाओगे. तो दिस इज़ माई एक्सेल फाइल जहाँ पे मुझे इंपोर्ट करना है अपने डेटा को. आई विल जस्ट शो यू यहाँ पे एक्सेल बेसिक्स. यहाँ पे मैंने स्टोर किया अपने टेक्स्ट डॉक्यूमेंट को. आई विल जस्ट ओपन इट. ये मेरा एक फेवरेट कोट है, एट द एंड इट्स ऑल अबाउट मेकिंग द बेस्ट आउट ऑफ व्हाट यू हैव. सो दिस इज व्हाट आई हैव रिटन ओवर हियर. इसको मुझे इंपोर्ट करना है अपने एक्सेल फाइल में. नाउ फर्स्ट स्टेप इज टू गो टू द डेटा टैब. डेटा टैब में यू विल गेट एन ऑप्शन कॉल्ड फ्रॉम टेक्स्ट. यहाँ आपको दिख रहा होगा गेट एक्सटर्नल डेटा. गेट एक्सटर्नल डेटा का ग्रुप है. इस ग्रुप में फ्रॉम टेक्स्ट एक हमारा ऑप्शन है. ये सारे ऑप्शंस हैं, यहाँ से हम करेंगे फ्रॉम वेब करेंगे, सब सीखेंगे कैसे हम अलग अलग सोर्सेज से अपने डेटा को इंपोर्ट कर सकते हैं एक्सेल. तो अभी के लिए फ्रॉम टेक्स्ट किया हमने. नाउ एक्सेल विल आस्क यू कहाँ पे आपने अपने टेक्स्ट को सेव किया है. सो आई विल गो टू द लोकेशन. आप प्लीज़ अपना लोकेशन याद रखना कहाँ आपने सेव किया अपने टेक्स्ट डॉक्यूमेंट को. डेस्कटॉप पे करके ट्राई कर सकते हो, ईजी है सबसे. सो आई विल जस्ट गेट माई डेटा टू एक्सेल एंड इम्पोर्ट. तो अगर आपको याद होगा जब हमने टेक्स्ट टू कॉलम्स किया था तो इसी टाइप का एक विजर्ड ओपन हो रहा था. अब इस विजर्ड में दो चीज़ मांग रहे हैं. या तो आपको डीलिमिटेड में अगर आप सिलेक्ट करो नेक्स्ट करो तो क्या आपको ऐसा प्रीव्यू चाहिए या फिर क्या आपको फिक्स्ड विथ. तो ये क्या होगा ना, हर एक वर्ड एक एक सेल में आ जाएगा, हर एक वर्ड एक एक सेल में आ जाएगा. या फिर आपको कोई डीलिमिटर्स नहीं देना है. तो इस केस में क्या होगा, एक ही सेल में जो A1 है हमारा, एक ही सेल में ये पूरा डेटा आ जाएगा. सो द वे यू वॉन्टेड टू बी वैसे आप कर सकते हो, या फिर अगर आपको अलग अलग सेल्स में चाहिए तो आप फिक्स्ड विथ में भी कर सकते हो. क्योंकि मैंने स्पेस दिया है हर एक वर्ड के बीच में तो ये हर एक वर्ड एक एक पर्टिकुलर सेल में आ जाएगा. इंस्टेड ऑफ दैट मुझे एक ही सेल में चाहिए. इट्स अप टू यू आपको कैसे आपका आउटकम चाहिए. नेक्स्ट किया हमने, नेक्स्ट किया एंड वी आर डन फिनिश. आपको कौन से शीट में चाहिए, येस इसी शीट में चाहिए मुझे एंड A1. ओके सो अब आप देख सकते हो कि ये मेरा पूरा लाइन जो मैंने वहाँ लिखा था, एट दी एंड इट्स ऑल अबाउट मेकिंग द बेस्ट आउट ऑफ व्हाट यू हैव, ये पूरा मेरा डेटा इस लाइन में फिट हो गया. सो दिस इज़ हाउ यू इम्पोर्ट योर डेटा इन एक्सेल. अब एक मेन फीचर जो यहाँ पे हमें सीखना है वो है कि इफ़ आई चेंज माई डेटा इन द Notepad, वो क्या यहाँ पे चेंज होगा. लेट्स ट्राई इट आउट. ये मेरा टेक्स्ट फाइल था जहाँ पे मैंने लिखा था शिवांगी के बगल में, मैं लिख दे रही हूँ अग्रवाल. आई एम राइटिंग माई नेम. कंट्रोल S से मैंने इसको सेव किया, या फिर आप राइट क्लिक करके भी सेव कर सकते हो इफ़ यू मेक एनी चेंजेस. क्रॉस किया अगेन एंड गो टू माई एक्सेल फाइल. अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या चेंज हुआ मेरा एक्सेल फाइल, नहीं चेंज हुआ. क्यों नहीं चेंज हुआ, ऑब्वियसली आपने इसको रिफ्रेश नहीं किया, या फिर आप इसको क्लोज करके वापस रीओपन करोगे तब आप सोचते हो कि ये चेंज होगा कि नहीं. आई डोंट थिंक ये चेंज होगा. तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, डेटा टैब में जाएंगे फिर से. देयर इज़ एन ऑप्शन कॉल्ड रिफ्रेश. जस्ट सिंपली क्लिक ऑन रिफ्रेश. रिफ्रेश क्लिक करते ही देखो देयर इज़ अ डायलॉग बॉक्स ओपनिंग. यहाँ पे आपसे क्या पूछा जा रहा है,
कि आपको कौन से फाइल को रिफ़्रेश करना है, आपको कौन से फाइल को रिफ़्रेश करना है। तो ये इंस्टेड ऑफ कंटिन्यू टू रिफ़्रेश ऑल, अगर मैंने यहाँ पे ओके प्रेस कर दिया तो अपने आप ही रिफ़्रेश हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो डायलॉग बॉक्स है, जो ये मैं रिफ़्रेश कर रही हूँ यहाँ पे, एंड ये जो डायलॉग बॉक्स है ये नहीं ओपन हो, एंड ऑटोमेटिकली व्हाट आई वांट माय डेटा, आई वांट दिस डेटा टू गेट रिफ़्रेश्ड ऑटोमेटिकली व्हेन आई क्लिक ऑन रिफ़्रेश। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एक प्रॉपर्टी का ऑप्शन है, टू गेट दिस प्रॉपर्टी का ऑप्शन, अभी ये डार्क है, आपको A1 पे जहाँ पे भी आपने अपने डेटा को इंपोर्ट किया वहाँ पे जाना पड़ेगा, प्रॉपर्टीज़ पे क्लिक करना पड़ेगा, एंड यहाँ पे यू हैव एन ऑप्शन कॉल्ड रिफ़्रेश कंट्रोल। इसमें प्रॉम्प्ट फॉर फाइल नेम ऑन रिफ़्रेश, प्रॉम्प्ट फॉर फाइल नेम ऑन रिफ़्रेश का ऑप्शन है। इसका क्या मतलब है कि द मोमेंट यू क्लिक रिफ़्रेश, इट विल आस्क यू कि कौन सा फ़ाइल आपको रिफ़्रेश करना है। हो सकता है कि आपने एक ही शीट में 3-4 फाइल्स से आपने डेटा निकाला, 3-4 फाइल से आपने डेटा इंपोर्ट किया। मैंने यहाँ पे खाली आपको एक ही टेक्स्ट डॉक्यूमेंट से करके दिखाया, मे बी यू हैव इंपोर्टेड योर डेटा फ्रॉम 3 डिफरेंट फाइल्स एंड आपको खाली उसमें से एक ही फाइल को रिफ़्रेश करना है, तो उस केस में यू सिलेक्ट वन पर्टिकुलर फाइल। पर इफ़ यू वॉन्ट कि आपके सारे फाइल्स साथ में रिफ़्रेश हो जाए और बार बार वो डायलॉग बॉक्स रिफ़्रेश पे क्लिक करने से ओपन नहीं हो, सो यू हैव टू अनटिक दिस पर्टिकुलर सेल, प्रॉम्प्ट फॉर फाइल नेम ऑन रिफ़्रेश। तो इससे क्या होगा ना, इससे वो वाला जो डायलॉग बॉक्स था वो ओपन नहीं होगा। एक और ऑप्शन मैं दिखा रही थी, यहाँ पे है रिफ़्रेश एवरी, अगर आपको खुद से यू वॉन्ट द एक्सेल टू रिफ़्रेश इट सेल्फ इन एवरी 1 मिनट, एवरी 2 मिनट, एवरी 3 मिनट, सो यू नीड टू स्पेसिफाई। यहाँ पे इन्होंने क्या किया, यहाँ पे इन्होंने 60 मिनट डाल रखे है, आई एल जस्ट मेक इट 1 इफ़ यू वॉन्ट। इफ़ यू डोंट वॉन्ट कि अपने आप ऑटोमेटिकली रिफ़्रेश हो मेरा एक्सेल फाइल, सो जस्ट लीव इट, मत करो कुछ, जस्ट लीव इट लाइक दैट। और इफ़ यू वॉन्ट दैट योर एक्सेल फाइल गेट्स रिफ़्रेश्ड, द अपने आप रिफ़्रेश हो, ऑटोमेटिकली रिफ़्रेश हो, आपको बार बार रिफ़्रेश पे क्लिक करने का ज़रूरत नहीं पड़े, तो उस केस में आप रिफ़्रेश एवरी 1 मिनट कर सकते हो। आप यू कैन डिक्रीज दिस टू मे बी 30 सेकेंड्स ऑल्सो इफ़ यू वॉन्ट, बट जस्ट लीव इट लाइक दैट, हमें नहीं ऑटोमेटिकली रिफ़्रेश करना। यू कैन डू दिस, कोई हार्म नहीं है, इट्स अप टू यू, ठीक है। तो ये हमने क्या किया, प्रॉम्प्ट फॉर फाइल नेम ऑन रिफ़्रेश को हमने अनटिक कर दिया, आई एल जस्ट क्लिक ओके, एंड अगेन व्हेन आई क्लिक रिफ़्रेश, तो देखो अपने आप क्या हुआ, अपने आप इट गॉट एडजस्टेड, अपने आप इट गॉट रिफ़्रेश एंड अपडेटेड। अब मेरा नाम पूरा यहाँ पे कम्प्लीटली शो कर रहा है। सो द मोमेंट आई चेंज एनीथिंग इन द नोट पैड एंड आई कम ओवर हेयर ऑन माई एक्सेल फाइल एंड जस्ट क्लिक ऑन रिफ़्रेश, अपने आप वो यहाँ पे अपडेट हो जाएगा। सो दिस इज़ देयर, एंड अगर आपको रिफ़्रेश बार बार खुद से मैनुअली नहीं करना, आपको एडजस्ट करना है, सो यू कैन ऑब्वियसली टेक द ऑप्शन, आप 1 मिनट में या फिर 2 मिनट्स में, डिपेंडिंग ऑन योर यूजेज, आप अपने आप ऑटोमेटिकली सेट कर सकते हो कि एक्सेल अपने आप चेंज हो जाए। सो द मोमेंट आई क्लिक ऑन रिफ़्रेश, अपने आप देखो इट गेट्स एडजस्टेड एंड गेट्स चेंज्ड। सो दिस इज़ हाउ यू इम्पोर्ट डेटा फ्रॉम नोटपैड एंड इन सच अ वे सो दैट योर एक्सेल फाइल गेट्स अपडेटेड द मोमेंट यू चेंज योर नोटपैड। जस्ट कॉपी दिस डाउन, मैंने पूरा जिस्ट में जो मैंने अभी तक बोला वो यहाँ पे लिखा है। वी ऑल्सो वॉन्ट द डेटा टू चेंज एज वी चेंज इट इन द सोर्स फाइल, सोर्स फाइल हमारा यहाँ पे नोटपैड है। व्हेन वी क्लिक ऑन रिफ़्रेश इट विल आस्क विच फाइल टू रिफ़्रेश अगेन एंड अगेन, तो वो अगर आपको नहीं चाहिए तो आप क्या करोगे, सिंपली यू विल क्लिक ऑन द फर्स्ट सेल जहाँ पे आपने डेटा इंपोर्ट किया, हमने A1 पे किया था, तो आप कहाँ जाओगे, प्रॉपर्टीज़ में जाओगे, और हमने फिर किसको अनटिक किया था, प्रॉम्प्ट द फाइल नेम ऑप्शन, इसको हमने अनटिक किया था। तब आप जब रिफ़्रेश कर रहे हो तब आपका फाइल अपने आप अपडेट हो जा रहा है। जस्ट कॉपी दिस डाउन दिस स्लाइड सो दैट यू रिमेंबर फॉर द फ्यूचर यूज। थैंक यू।